हाँ इधर से इसको इसको बताना था क्वेश्चन नंबर पॉलिनोमियल्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 पेज नंबर 5.14 फ्रॉम आदि शर्मा इससे इस फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आपको इसको फैक्टराइज करना है सो जो आपको इतना पोर्शन गिवन है दिस इज बेसिकली ए प्लस बी होल क्यूब बिकॉज ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² ये फॉर्मूला आपने लर्न किया होगा ए प्लस बी होल क्यूब का तो ये सेम फॉर्मूला है माइनस 8 So we can write a plus b whole cube minus, इसको लिख सकते हैं 2 का cube. Now, हमारे पास एक identity होती है x cube minus y cube, which is x minus y, bracket में x² plus xy plus y². So यहाँ पर x की जगह पर है basically ये चीज, this is x, और y की जगह पर है ये, तो x cube minus y cube. So इसको लिखेंगे x minus y, that means a plus b minus 2, Then x² मतलब कि a plus b का square, then y² मतलब कि 2 का square, plus xy, xy किया तो a plus b into 2, so this will be a plus b minus 2, या तो इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, और इधर यू कैन सॉल्व इट फर्दर, तो बनेगा a² plus b² plus 2ab plus 2a plus 2b plus 4. या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बट ये फर्दर सॉल्वेबल नहीं है बिकॉज इसमें कोई भी टर्म नहीं हो सकती सो रादर आप इसको ऐसे लिखने की बजाय आप इसको लिखकर सिर्फ नहीं छोड़ सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड दिस इज 2a प्लस 2b प्लस 4 सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 22 फ्रॉम आदि शर्मा एंड हू वॉज द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चन टिल देन कीप काम एंड लव मैथ्स